नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सबका स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय चौहान, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। अक्षय के बारे में बता दूं तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन करंटली इज वर्किंग इन कासगंज, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इन्होंने आज हमारे साथ जुड़े हैं एज वन ऑफ द टॉपर्स इन एसबीआई पीओ 2022। तहे दिल से स्वागत करती हूँ, बधाई अक्षय, और हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू मैम। मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इस सेशन में जुड़ पाया। और काफ़ी लोगों के मैंने पहले सेशन देखे थे, पर कभी उम्मीद नहीं थी मैं भी एक दिन ये सेशन दूंगा और इस साल मैं ये कर पाया मैम। काफी लोगों के इंटरव्यू देखे और आप उनसे प्रेरित हुआ करते थे, और आज यस मैम, आप उसी मुकाम पर हैं और आज आपसे बहुत लोग प्रेरित होंगे। ये जब पूरा एक साइकिल है, आप जब खुद में रियलाइज करते हैं आप अपने बारे में, हाउ हाई यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि खुद में भी उपलब्धि को महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ ग्रोथ के लिए। जी मैम, बिल्कुल सही बात है मैम। और मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है अलग अलग टॉपर से, उनकी स्ट्रेटजी समझी, अपनी भी काफ़ी मतलब जो मेरी कमियां थी उनको दूर करा और इस बार मुझे सफलता मिली है। तो अक्षय, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मैम, मेरा नाम अक्षय चौहान है और मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग भी चूरू से हुई है और मेरी इंजीनियरिंग सिविल से हुई है, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से। और फिर उसके बाद मैम मैंने 10 मंथ्स के लिए एमएनसी में भी काम करा है, पिनाकल इन्फोटेक। और फिर उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस में अभी लास्ट 2 ईयर 3 मंथ से पोस्ट ऑफिस में अपनी सर्विसेज के साथ देता रहा हूँ और प्रिपरेशन करी है बैंकिंग एग्जाम्स की। आपने इंजीनियरिंग की, एमएनसी में काम किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी करंटली आप काम भी कर रहे हैं, तो और उसके बाद फाइनली एसबीआई पीओ। थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये पूरा एक के बाद एक एग्जामिनेशन क्लियर किया और क्या सफर रहा, क्यों ट्रांजिशन हुआ, इन सब के बारे में हमें थोड़ा बताएं, परिचय करवाएं अपने एक्चुअल जर्नी से। जी मैम, 2019 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी अप्रैल में। तब स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना ही है। इवेंचुअली वो कुछ हालात कोविड की वजह से और थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से मुझे बैंकिंग फील्ड में आना पड़ा। 10 मंथ्स के लिए मैंने पिनेकल इन्फोटेक में ऑटोकैड और रेविट वाली कंपनी में काम किया था मैम। और फिर उसके बाद में मैंने कोविड के टाइम में वो कंपनी लीव कर दी थी। फिर उसके बाद में मैंने फुल फ्लैच अपनी स्किल्स जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज करी और मॉक्स दिए, इंटरव्यूज देखे और फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन मैंने करी, क्योंकि मेरे फादर भी बैंकिंग में हैं तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा कि गवर्नमेंट जॉब सेक्टर काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है और आपको इसके अंदर बढ़िया उपलब्धि मिल सकती है, बहुत सोशली भी और इंटरनल प्रमोशंस भी अच्छे हैं। तो अक्षय, आपके पिताजी ने आपको एक्चुअली प्रेरित किया कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्यों जाना है। बट हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, रहते हैं, जैसे आपने एमएनसी देखा, पोस्ट पेमेंट बैंक देखा, और फाइनली आप एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में आए हैं। खुद में भी बिल्कुल एक लक्ष्य आप तय करते हैं। कहते हैं ना कि हमारी सबसे बड़ी एनर्जी जो है वो हमारे लक्ष्य से आती है, तो इतना बड़ा लक्ष्य कैसे बना कि आफ्टर हैविंग अ जॉब यू केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग? मैम, ऐसा था कि इंडिया पोस्ट की जो मैं ये अभी जॉब कर रहा हूँ, ये एक तरह से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, तो मुझे इनिशियली पता नहीं था कि इसके अंदर किस तरह का काम होगा। तो मैंने ये 2020 में ज्वाइन कर ली थी, इसके अंदर ये डायरेक्ट मेरिट बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुआ था इसमें, तो मैंने ये ज्वाइन करा। इनिशियली मुझे कुछ पता नहीं था इसमें क्या काम होता है, पर जब मैंने फील्ड में गया, लोगों से इंटरेक्ट करा, गांव के लोगों से मिला, उनको अकाउंट्स ओपन करे, तो धीरे धीरे मेरा बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट वहां से ज्यादा बढ़ा। तो फिर मैंने अपने जो मतलब रिव्यूज देखे कि कौन कौन सी बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, IBPS है, जैसे RRB है, SBI, तो मैंने वो सभी अप्लाई करे और इस अराउंड 2 ईयर्स लग गए मुझे, लेकिन मुझे सफलता मिल गई है मैम। 2 साल में ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट सीख क्या रही? जी मैम, सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये रही कि हमें हमेशा अपने जो स्टडी सोर्स हैं वो एक रखना चाहिए और अपना गोल एक रखना चाहिए। शुरुआत में मैंने SSC और बैंकिंग साइमल्टेनियसली करा और मैं दोनों में मतलब मेंस तक पहुंचा, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। फिर मैंने अपना माइंड सेट करा कि मुझे एक ही फील्ड चुननी है और एक की ही प्रिपरेशन करनी है, तो फिर मैंने बैंकिंग को लास्ट 1 ईयर से फुल फ्लैज अपना दिया।
बॉडी माइंड और सोल, और आज मुझे वो मुकाम हासिल हो गया। ऑलरेडी एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में काम करते थे, वर्किंग प्रोफेशनल थे, कैसे टाइम मैनेज किया? क्योंकि प्रिपरेशन बहुत कंज्यूमिंग होती है। यस मैम, टाइम मैनेज करना थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि फील्ड में भी जाना होता है, हमें मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी भी करनी होती है, साथ में अकाउंट्स भी ओपन करने होते हैं। पर जो इवनिंग टाइम होता था तो उस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, इवनिंग और नाइट, मतलब अराउंड 7 AM से मैं जो है अपनी करंट अफेयर्स रिवाइज करता था डेली, तो उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला और एग्जाम में सफलता मिली। तो टाइम मैनेज जो था वो मैंने नाइट टाइम में ही ज़्यादातर प्रिपरेशन करी, अपनी डे टाइम में अपनी ड्यूटी को टाइम दिया। तो कैसे स्केड्यूल मैनेज करते हैं, थोड़ा सा अरे बताएं। कंपनी मैंने छोड़ी थी तो मुझे 6 मंथ्स का टाइम मिला था, तब मैंने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, जो क्वांट्स के बेसिक्स होते हैं और रीजनिंग के बेसिक्स होते हैं, वो सारे 0 to एडवांस तक मैंने कर लिए थे। फिर उसके बाद में मेरी 2020 में दिसंबर 2020 में यहाँ ज्वाइनिंग हो गई थी पोस्ट ऑफिस में। फिर उसके बाद में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए और उनको एनालिसिस करा लगातार। मॉक टेस्ट को आधार बना के आपने प्रिपरेशन की है। जो भी और स्टूडेंट्स हैं उनको आप कैसे बताएंगे कि प्रिपरेशन एक्चुअली में कैसे करनी चाहिए? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे मिथ्स होते हैं जब हम SBI PO एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो। मैम स्टार्टिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि जब 2020 में, मई 2020 में मैंने MNC छोड़ी थी, तो मई 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वैदिक मैथ्स होती है, उनसे अपनी स्पीड बनाई ताकि मैं प्री आराम से क्लियर कर सकूं, क्योंकि तो PO का प्री निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मैंने पहली बार दिया था एग्जाम तो PO का प्री नहीं निकला था मेरा SBI का। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी स्पीड के ऊपर काम करा। मॉक टेस्ट तो तब भी देने पड़ते थे और वो तो मेंस के फिर बाद में देने ही पड़ते हैं, और साथ साथ में GK को मैंने टाइम दिया। 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि GK को डेली टाइम देना बहुत जरूरी होता है, और खासकर बैंकिंग की GK थोड़ी अलग होती है SSC से, तो उसमें डेली करंट अफेयर्स पे लास्ट 6 मंथ पे जोर दिया। तो इस बार मतलब मैं GK की वजह से मैं रह गया था पिछली बार मेंस में, तो इस बार मैं वो भी निकाल पाया। फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए होता है, वो है SBI PO का। थोड़ा सा बताएं कि ये सबसे खास क्यों है? यस मैम, सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट और डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक भी है इंडिया का, और ये जैसे इकोनॉमिक टर्म्स में कहते भी हैं कि ये टू बिग टू फेल है, तो इसमें सब इंस्पायर करते हैं जो भी बैंकिंग की प्रिपेयर करता है कि हम फाइनली SBI PO में एज ए SBI PO ज्वाइन करें। सबकी ड्रीम जॉब होती है, वैसे ही मेरी भी थी, और साथ ही साथ मैं अपनी बैंकिंग की स्किल्स, जो प्रैक्टिकल स्किल्स थी, वो भी यूज कर ही रहा था विलेजेस में, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा, मुझे काम अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने अपनी बहुत प्रैक्टिकल एज वेल एज जो थ्योरेटिकल स्टडीज हैं उनको दोनों बैलेंस करके ये प्रिपरेशन करी मैम। आपने अभी एनालिसिस की बात की थी, मैं चाहती हूँ मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसको आप बताएं। जी मैम, मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऐसा है कि पहले तो आपको जो मॉक टेस्ट आप देते हैं उसको मैं पहले फुल एक 1 आवर की सिटिंग में आप प्री का मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद में जब उसे सबमिट कर देते हैं तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो उसमें रीजनिंग में जो जो आपके क्वेश्चन गलत हो उनको एक बार दोबारा गो थ्रू कीजिए, अगर वो आपसे दोबारा में बन जाते हैं तो आप उनको रहने दीजिए, और अगर दोबारा में भी आपको उसमें टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उनको अलग से मतलब उनकी ट्रिक्स या जो भी है आपकी अप्रोच गलत हो रही है वो नोट कीजिए। और मैथ्स के अंदर भी यही है, जो भी क्वेश्चन है आपके, और GK का तो मैम डेली पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा वो नहीं है ऑप्शन। और इंग्लिश के लिए मैम मैंने इतना कुछ खास करा नहीं, केवल मॉक टेस्ट के अंदर रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग वगैरह, और कभी कभी वीकेंड्स के टाइम में न्यूज़पेपर रीडिंग करी है बस। बाकी मेरा बैकएंड पे CBSE बोर्ड था और BTECH में इंग्लिश थी, तो इतनी दिक्कत नहीं आई बैंकिंग की इंग्लिश। थोड़ा सा बताएं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि SBI PO एक बहुत ही प्रेस्टीजियस बोर्ड है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, आपने उनको कैसे आंसर किया उसके बारे में बताएं। जी मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा सेकंड टाइम था ये, पहला जो था वो IBPS PO में था, लास्ट ईयर मैं मेंस नहीं कर पाया था इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाया था, पर इस बार मैंने दोनों ही इंटरव्यू पहली बार ही दिए, और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और उसकी प्रिपरेशन में जो मेजर रोल था वो गौरव गर्ग सर का ही था, उनके बैंकिंग अवेयरनेस ने मुझे बहुत, जो मेरे मिसिंग पार्ट्स थे वो कंप्लीट करे, और
मैंने उस इंडिया पोस्ट की जो नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज और जो बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज थी, उसको यूटिलाइज करके इंटरव्यू में काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करा। और गौरव सर का जो कोर्स था वो मुझे मेरे पुराने दोस्त ने बताया था, जो मुझे ऑफलाइन कोचिंग में मिला था, जब मैंने वो आपको बताया था 6 मंथ्स में प्रिपरेशन करी थी, जब मैंने कंपनी छोड़ दी थी और 6 मंथ बेसिक्स के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी सीकर में। तो वहीं एक दोस्त था, तो उससे ही दोबारा कॉन्टेक्ट हुआ मेरा, तो उन्होंने बताया कि गौरव सर का ऐसा ऐसा कोर्स है, तो मैंने उसमें वो एनरोल करा और उसको पूरा गो थ्रू करा, करंट अफेयर्स उनको रिगरसली फॉलो करा 6 मंथ्स के लिए। तो मुझे मेंस में भी फायदा हुआ और साथ ही साथ इंटरव्यू में तो फायदा बहुत हुआ मैम। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन एकदम बैंकिंग अवेयरनेस से मैं जो सर ने पढ़ाया उससे कम ही लेवल के थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो सारे आंसर कर पाया मैं, और ज्यादातर मेरी जॉब प्रोफाइल से थे। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए और उसको आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ आंसर किया, जो आपको लगता है कि दैट वाज अ गेम चेंजर? हाँ, SBI के अंदर मैम मेरे से वही पूछा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको आप कैसे सेल करते हैं, थर्ड पार्टी सेलिंग कैसे करते हैं आप अकाउंट के साथ में, वो बताया था। इनका टेन्योर पूछा था, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल मतलब ज्यादा वैसा था, बेसिक नहीं था, मतलब उसके अंदर टाइम पीरियड पूछा था, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होती है 4:36 हो गया उसका ईयरली, और उसको जो है 18 से 50 ईयर्स तक के लोग जो है वो एनरोल कर सकते हैं। और उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस भी चेक करा था, तो उन्होंने मुझसे 2-3 बार ये पूछा था कि 18 से 50 ईयर क्या आप कंफर्म है, क्या आप कंफर्म है, तो वहां पर वो मेरा कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे थे। पर मैं अपनी जो स्टडी पे मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने वो पढ़ रखा था, तो मैं उस पर स्टिक रहा और वो सर भी काफी इम्प्रेस हुए उससे, तो मुझे लगा कि वो बढ़िया पॉइंट था मेरे वहां पर। स्टडी IQ गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में? जी मैम, गौरव सर के करंट अफेयर्स पूरे रिलेवेंट हैं मेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो IBPS PO हो, अगर आपने उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करा है तो आप GK में तो टेंशन फ्री रहें, और साथ ही साथ जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम में आई, तो बहुत बहुत ऑफ द कोर्सेज आर सुपर, और पोस्ट इफिशेंट भी हैं, काफ़ी कम प्राइस में है अदर कंपटीटर के। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर ज्वाइनिंग अस। फाइनल टिप सजेशन आप सभी को देना चाहेंगे अपने इस 2 साल के बैंकिंग जर्नी से? हाँ मैम, यही कहूँगा कि अपने गोल की ओर फोकस रहें, और वही एक लाइन है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। थैंक यू सो मच अक्षय, पूरी टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम यही कामना करते कि ये बस शुरुआत हो और आप आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचे और जो भी आप अपने लिए सपना देखते हैं उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच।